भारत सरकार की लोकप्रिय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की संयुक्त प्रबंध निदेशक डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वित्त संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के प्रत्येक जनपद से यहां पर उपस्थित मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सभी संगठनों और संस्थाओं से उपस्थित सभी बहनें, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मिशन शक्ति के तृतीय चरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, समारोह के मुख्य अतिथि, समारोह की विशिष्ट अतिथि और आप सभी का रक्षाबंधन के पूर्व के आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम भले ही लखनऊ में तृतीय चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में जिन 75 बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, आज की मुख्य अतिथि और प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी ने उनका यहां पर भी सम्मान किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी प्रकार की भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। अभी यह कार्यक्रम वहां पर लाइव चल रहा है, इस कार्यक्रम के तत्काल बाद वहां पर भी हर जनपद की 75 ऐसी नारी शक्ति को सम्मान का एक कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में भी आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर 75 जनपदों की इन सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली माताओं बहनों को शासन की उन योजनाओं की जानकारी मिल सके जिन योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में वे अक्सर वंचित रह जाती हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 देश के अंदर युग परिवर्तन का वर्ष है, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी
इस देश के अंदर अपने एक नए विजन के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए। उन्होंने जीवन को प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया और उसमें से एक क्षेत्र था देश की लगभग आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा हो, मातृवंदना का कार्यक्रम रहा हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम रहा हो, या फिर जनधन अकाउंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हर एक महिला को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग की ओर अग्रसर करने का, नारी गरिमा की रक्षा के लिए हर गरीब से गरीब घर में भी हम इज्जत घर का निर्माण करेंगे, एक एक शौचालय का निर्माण करेंगे, स्वामित्व योजना के माध्यम से विरासत का अधिकार उन्हें उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर की मालकिन के रूप में उसे घर का अधिकार देना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उसी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए राज्य सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर के वातावरण से हर व्यक्ति पूरी तरह वाकिफ है, जानता है किस प्रकार की परिस्थितियां थी। असुरक्षा का एक भाव था, जब समाज में असुरक्षा का भाव हो तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उसके सम्मान पर भी पड़ता है, उसके स्वावलंबन पर भी पड़ता है। और आने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने असुरक्षा किस मनोवृत्ति को दूर करने के लिए बिना किसी संकोच के प्रदेश के अंदर नारी सुरक्षा का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया, और यही कार्यक्रम आगे के चरणों में बढ़ता हुआ मिशन शक्ति के रूप में आगे बढ़ा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के दो चरण अब तक प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। उसका एक लघु फिल्म आपके सामने प्रस्तुत भी किया था कि किस किस फील्ड में कितना कितना परिणाम आया। प्रदेश शासन का गृह विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश या कोई भी देश कभी भी समर्थ नहीं बन सकता, और उन्हें समर्थ बनाने की दिशा में नारी सशक्तिकरण का यह अभियान प्रदेश को समर्थ और स्वावलंबी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ही हिस्सा है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज तृतीय चरण का एक कार्यक्रम यहां पर आज प्रारंभ हो रहा है। आपने देखा होगा यहां पर 75 उन बहनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में विगत 3-4 वर्षों के दौरान कुछ अच्छा किया है, एक प्रेरणा बन सकती है। उन्हें सम्मानित करने के बाद आपने देखा होगा यहां पर 1,55,000 उन बालिकाओं के लिए धनराशि का वितरण भी यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी के कर कमलों से अभी यहां पर उस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हुआ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की योजना जिसमें बालिका के जन्म से लेकर के बालिका के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार 15,000 की एक राशि उस बालिका के नाम पर उस परिवार को उपलब्ध कराती है। 1,55,000 उन बालिकाओं को आज ये राशि
इतनी नई बालिकाओं को आज यहाँ पर प्रदान किया गया, जिसे 6 अलग अलग चरणों में ये राशि उनके खातों में जाती है। इससे पहले 7,81,000 बालिकाओं के पास इस प्रकार की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। ये कार्यक्रम जिससे हर एक क्षेत्र में हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। कोरोना कालखंड के दौरान जब पूरी दुनिया कोरोना के सामने त्रस्त थी, पस्त थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करके प्रदेश के हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य सुरक्षा का एक कवच प्रदान करने में अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास किया। इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। आज उसका परिणाम है 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में आज मात्र 24 कोरोना के केस हैं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर स्वदेशी वैक्सीन दिया, लेकिन अद्भुत कार्य हमारे हेल्थ वर्कर्स ने इस दौरान किया। दौरान हम देखते थे प्रधानमंत्री जी, जब जनधन अकाउंट धारी महिलाओं के खाते में पैसा भेजते थे, तो पहले चरण में हमने देखा कि पैसा अकाउंट में जाने के बाद अपनी जरूरत के लिए लोग बैंकों में पैसा नहीं ले सकते थे। राज्य सरकार ने तय किया कि नहीं, किसी भी माता और किसी भी बहन को पैसा निकालने के लिए बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हम हर गांव में किसी एक बालिका को या किसी एक महिला को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में तैनात करते हुए और उसके माध्यम से इस धनराशि को घर घर में वितरण करने की व्यवस्था करेंगे, और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में इसकी कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे करने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक बहने महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जुड़ी हुई है, जिसने अलग अलग फील्ड में काम किया। आपके सामने बुंदेलखंड की बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का वह कार्यक्रम आप सबसे छुपा हुआ नहीं। 2019 में बुंदेलखंड में झांसी से मैंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। भारत सरकार के सहयोग से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज आप देख रहे होंगे, जब मैं विगत वर्ष का उनका पूरा लेखा जोखा देख रहा था, तो विगत वर्ष अकेले इस महिला समूह ने लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। एक महिला स्वयंसेवी समूह बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की सफलता की एक नई कहानी लिख सकती है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक बहने इस प्रकार के महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ करके जीवन के अलग अलग फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया कि बाल विकास और पुष्टाहार का जितना भी पोषाहार गांव गांव में जाता है, इसको हम महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वितरण करने का कार्य करेंगे, और सफलतापूर्वक प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की व्यवस्था उन तक पहुंचे, इस दृष्टि से एक अभियान प्रारंभ किया गया। उनके राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड को आधार से लिंक करना, हरेक 80,000 दुकानों में ई पॉस मशीन लगा देना, और फिर अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो वहां बिना किसी विवाद के गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को उस राशन की दुकान को सौंप देना, जिससे गांव की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी वह महिला स्वयंसेवी समूह ही अब संचालित करेगी। और ये सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर जिन भी क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी दी गई है,
बिना किसी विवाद के ये कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर बालिकाओं के मन में आज जो एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ, एक बोध पैदा हुआ है, उसके पीछे राज्य सरकार ने तय किया था कि हमारी पुलिस की जितनी भी भर्तियां होंगी, हमने लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती प्रदेश में की और तय किया कि हर हाल में इसमें 20% बालिकाओं की भर्ती जरूर हो। बालिकाओं की भर्ती का यह कार्यक्रम आज जिसमें आपने देखा होगा, पहली बार अभी कुछ देर पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने महिला पुलिस बीट अधिकारी के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक पुलिस बीट के क्षेत्र में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती। अब तक होता क्या था, वे बालिकाएं भर्ती होती थी, उनकी ट्रेनिंग भी होती थी, लेकिन उनको फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाती थी। उन्हें फील्ड ड्यूटी देने से लोग परहेज करते थे, उनको कार्यालय में बिठा दिया जाता था या कंप्यूटर के कार्य से लगा दिया जाता था। उनके मन में एक भाव रहता था कि क्या हम क्या पुरुषों से कम हैं, क्या हमें फील्ड ड्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 10,000 से अधिक पुलिस बीट प्रणाली में 10,000 ऐसे स्थानों पर महिला पुलिस अधिकारी के रूप में, पुलिस कर्मियों, पुलिस आरक्षी के रूप में आज उनकी तैनाती, पुलिस बीट अधिकारी के रूप में यहां पर आज उसका शुभारंभ भी माननीय वित्त मंत्री की जी के द्वारा हुआ है। ये निश्चित ही वो गांव में जाएंगे, हर ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत में जाकर के महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे का समाधान गांव की पंचायत में, एक पंचायत भवन में पंचायत राज विभाग ने एक कक्ष उनके लिए आवंटित कर दिया है, और उस कक्ष के माध्यम से वहीं उनकी सुनवाई होगी और महिलाओं से संबंधित जुड़े हुए किसी भी सुरक्षा से जुड़े हुए मामले का वहीं निस्तारण करते हुए वे कार्रवाई भी करेंगी। इस अपेक्षा के साथ आज इसे प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में 1537 जो थाना है, इन सभी थाना क्षेत्रों के, उन सभी बीट क्षेत्रों में इसको लागू किया जा रहा है, जहां पर भी कोई इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, और ये हर दूसरे तीसरे दिन उन गांवों का भ्रमण करते हुए वहां पर सुरक्षा का एक एहसास उन सभी लोगों को कराएंगे। प्रदेश के अंदर चाहे वह अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अभी जो चुनाव संपन्न हुए, इन चुनावों में उसके बहुत बेहतरीन परिणाम हुए। मैं अक्सर सोचता था, लोग इस बात की चर्चा भी करते थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब मैंने पंचायती राज विभाग से कहा कि इसका रिजल्ट क्या है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में अभी पंचायत राज के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 50% की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रदेश के अंदर ग्राम प्रधान लगभग 54% स्थानों पर महिला ग्राम प्रधान चुने गए पूरे प्रदेश के अंदर, जिला पंचायत अध्यक्ष 56% स्थानों पर बने हैं, यानी प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में से 56% जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं बनी हैं, और ब्लॉक प्रमुख 825 विकास खंडों में चुनाव संपन्न हुए, जिनमें 54% पर महिला ब्लॉक प्रमुख बनी है। ये दिखाती है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 महिला पुलिस पीएससी की बहनियों की भी स्थापना प्रदेश के अंदर की है, जिनमें से एक का अभी शुभ थोड़ी देर में शिलान्यास माननीय वित्त मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न होगा, लेकिन इसमें इसका शिलान्यास अभी संपन्न होने जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ और गोरखपुर में भी एक पीएससी की महिला बटालियन के कार्य का वहां पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत भी एक बड़ा अभियान प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, और अब तक 19,662
ऐसी महिलाओं को स्वामित्व योजना का लाभ दिया गया है जिनको जिन ग्राम पंचायत में आप देखते होंगे लोग घर बना लेते हैं लेकिन वह आवास की भूमि होती है और ग्राम पंचायत की आबादी की इस भूमि का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने अब नए मैपिंग के माध्यम से उन आवासीय पट्टों की और ग्राम पंचायत की आबादी की इस भूमि का मालिकाना हक उन सभी परिवारों को और खासतौर पर उसमें भी प्राथमिकता महिलाओं को दिया है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके प्रदेश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज यहां पर ग्राम विकास विभाग ने भी जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 5 जनपदों सोनभद्र चंदौली मिर्जापुर बलिया और गाजीपुर के लिए ब्लिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की तर्ज पर ही भारत सरकार के सहयोग से 35 करोड़ रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की गई है जिसमें मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गठित करके बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर वहां पर महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके। झांसी ता महोबा में दलहन व मूंगफली मूल्य श्रृंखला हेतु झलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन, इसके माध्यम से 17,406 महिला किसान वहां पर उस क्षेत्र में बुंदेलखंड में लाभान्वित होंगी और इसके लिए भी भारत सरकार ने 16 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। बदायूं में धान गेहूं और मेथा की मूल्य श्रृंखला हेतु बदायूनी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन जिसमें 14,275 महिलाएं इसके माध्यम से लाभान्वित होंगी और भारत सरकार ने इसके लिए भी 18 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। जरी जरदोजी हस्तशिल्प के लिए जनपद बदायूं में महिला कारीगरों के विकास के लिए हस्तशिल्प उत्पादन कंपनी का गठन किया जा रहा है, भारत सरकार ने इसके लिए भी 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यानी ये सभी कार्यक्रम इस बात के गवाह हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनके प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच मिले और वह भी विकास के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकें, और प्रयास प्रदेश के अंदर आज यहां पर प्रारंभ किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम तृतीय चरण का भी कार्यक्रम न केवल नारी सुरक्षा को उन सभी पहलुओं को लेकर के जो पहले और दूसरे चरण में जिन भी क्षेत्रों में हमें लगा कि यहां पर हमें कुछ कार्यक्रम करने, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में आपने देखा होगा 1537 सभी थानों में एक एक महिला बूथ का गठन किया गया जो महिला सुरक्षा महिलाओं से संबंधित सुनाई वहां पर कोई भी महिला कहीं भी जाएगी एक महिला पुलिस अधिकारी उस थाने में बैठ करके उसकी सुनवाई के लिए हमेशा मौजूद रहती थी। हर तहसील में 350 तहसीलों में भी यह व्यवस्था दी गई। बेसिक शिक्षा परिषद की 1,58,000 से अधिक जो स्कूल हैं उनमें महिलाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, अलग से टॉयलेट की व्यवस्था, सभी विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से कॉमन रूम की व्यवस्था, यानी युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने पहले और द्वितीय चरण में किया था। और तृतीय चरण के कार्यक्रम आज यहां पर हमारे मुख्य अतिथि और माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहां पर प्रदेश की मातृशक्ति को, प्रदेश की बहनों को आज समर्पित करते हुए मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे विश्वास है कि रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम हम सब के लिए न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी बहनों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रदेश के सभी जनपदों के कार्यक्रमों में उपस्थित हैं और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को वहाँ पर
क्योंकि लाइव प्रसारण हो रहा है। जो भी बहनें वहां पर देख रही हैं उन सबको मैं रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, उनकी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन सबके सहयोग से हम सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। मैं आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संगीता रेड्डी जी का और हमारे अभिभावक प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके वचनों से हम सभी अभिभूत हुए और आपके विजन को साकार बना